ऑब्वियसली कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पिछले 5-7 साल से शायद क्वालिफाई नहीं हुई दिल्ली टीम, और 3 साल से मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ, तो इस साल क्वालिफाई हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। टीम का एक माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, आपस में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लोगों के साथ सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगा है कि थिंग्स हमने बहुत सिंपल रखी है, जो बेस्ट चीज़ जो करनी है वो जाके ग्राउंड पे करते हैं, जाके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है T20 के अंदर। जिस तरह की मैंने देखा है कि इसमें आपके पास टाइम बहुत कम होता है, जब भी आप खेलने जाते हैं कि कुछ भी गलती होती है तो उसको रिकवरी करना बहुत मुश्किल है, तो हमने कोशिश यही करी है कि कम से कम गलतियाँ करें और जो मेन चीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान रखें। तो नो डाउट कि एक दादा के आने से बहुत फ़र्क पड़ा है, रिकी पॉन्टिंग बहुत पॉजिटिव हैं और दोनों ही अग्रेसिव हैं, बट दोनों मैंने जो देखा है बहुत कामली दोनों टीम को हैंडल कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम के लिए, और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रखा है, एक अच्छा माहौल बना रखा है टीम के अंदर, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा हो रहा है प्लेयर्स को।